मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका लगता है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड देने का। यहाँ पर तरीका क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, केवल 2 मिनट का प्रोसेस है। आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर रहा है HDFC बैंक। उसके बाद कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे थैंक यू का पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही आपको यहाँ पर मेल मिल जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अब आपके सामने है। आप क्या करेंगे, उस मेल को ओपन करेंगे, आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपके पास होगा। आप उसको तुरंत ही यूज करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 घंटे में आपको क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा और आप उसे यूज भी कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको पूरा A to Z प्रोसेस बता दिया क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक से लेने का। यही प्रोसेस सेम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने भी वाले हैं। अब वर्चुअल कार्ड आपको मिल गया, इसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपका जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है हमारी तरफ से उसको डिस्पैच कर दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। सो फिलहाल मेरे पास आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं और कार्ड कैसे एक्टिवेट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत आपकी यहाँ से होगी। सबसे पहले आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा आप यहाँ HDFC बैंक की वेबसाइट पर आ जाएंगे। मोबाइल या कंप्यूटर कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आपको यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स डालनी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड नंबर में से कोई एक चीज डालेंगे। उसके बाद आप नीचे गेट OTP पर क्लिक करेंगे। देखिए मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद गेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पर डालना है और नीचे व्यू द बेस्ट कार्ड ऑफर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस पेज पर आएंगे, कुछ पर्सनल डिटेल आपको देनी होगी। जैसे कि सबसे पहले है आपका पूरा नाम, आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अपना जेंडर भी सिलेक्ट कर लेंगे, मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा और नीचे आती है सबसे जरूरी जो आपकी वर्क डिटेल है, मतलब अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आप बताएंगे, आप काम क्या करते हैं। आपके यहाँ पर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, हाउसवाइफ सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपनी नेम में उस कंपनी के फर्स्ट 3 वर्ड्स डालेंगे, वो लिस्ट में आ जाएगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब अपना कंपनी नेम बता देंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन भी बताएंगे, मतलब इस कंपनी में आप किस पद पर काम करते हैं। उसके बाद अपना वर्क ईमेल एड्रेस भी यहां पर आपको देना होगा। तो अपना वर्क ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे आपको अपना फिर एड्रेस देना होता है जो आपके घर का एड्रेस है। आप चाहे तो इक्विफैक्स से भी अपना एड्रेस फेच कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर मैनुअली डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा यहां पर नहीं आया, हम मैनुअली डाल देते हैं। तो अपना पूरा घर का एड्रेस यहां पर आपको डालना होगा और इसके बाद रेजिडेंस टाइप में आपको यह भी बताना होता है, आपका ये जो एड्रेस से आप यहाँ पर किराए पर रहते हैं या फिर आपका अपना है, ये सभी चीजें बताएंगे। उसके बाद सीधे नीचे चेक बेस्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे और बस दोस्तों अब आपको यहाँ पर केवल 20 से 30 सेकंड का वेट करना है। आपको पता लग जाएगा कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर HDFC बैंक ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मोबाइल से आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो KYC वगैरह भी कंप्लीट करना है। मुझे यहाँ पर 3 क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक ने ऑफर किए हुए हैं। यहाँ पर मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके ले सकता हूँ। सभी क्रेडिट कार्ड के अलग अलग बेनिफिट्स है जो मैं नीचे चेक कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पर इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ऑफर भी मिला हुआ है। एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस मेरी कट हो जाएगी जो 500 रुपीज है। मुझे केवल 1 साल के अंदर 50,000 रुपीज इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करने हैं, जो भाई इजीली हो जाता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मुझे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और गेट दिस कार्ड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं इस पेज पर आऊंगा। इस पेज पर मुझे अपना ऑफिस एड्रेस डालना होता है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो एड्रेस मुझे यहाँ पर डालना है। पूरा एड्रेस डालने के बाद आप सीधा नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके के प्रोसेस अब आपके सामने आएंगे। अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आपके सामने सीधा ही डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, कोई वीडियो KYC का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सीधा ही नेट बैंकिंग से आप लॉगिन करेंगे, आपका यहां पर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है तब आपको वीडियो KYC करना पड़ेगा। और भाई वीडियो KYC करना कोई इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, बस आपको जो अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं वीडियो KYC ऑफिसर को। और दोस्तों जब आप इस पेज पर आएंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आधार बेस्ड EKYC प्लस VKYC। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पेज पर नीचे जाएंगे और आप कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद जो आप सीधा इस पेज पर आ जाएंगे, आपका यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और नीचे आपको स्टार्ट वीडियो KYC नाउ का एक बटन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके अपना वीडियो KYC बस कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है आपका क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो तरीका हो गया अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर है तो आपको क्या करना है, आपको बस केवल नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन कर लेना है या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करेंगे, अपना कस्टमर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे, बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा।
ऐसे ही आपको जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपका भी जनरेट हो जाएगा और बस दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्रूव भी हो जाएगा, आपको मेल मिल जाएगा एक घंटे के अंदर ही। दोस्तों इसके बाद मुझे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हुए एक घंटा ही हुआ था, मुझे यहाँ पर मैसेज मिलता है कि आपका क्रेडिट कार्ड हमने आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर काफी खुश हो गया, केवल एक घंटे में मुझे मेरा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल गया था। बिना इनकम प्रूफ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, कोई इनकम प्रूफ भी नहीं दिया है। इसके बाद मैंने अपनी मेल को चेक किया, एक मेल आया हुआ था HDFC बैंक की तरफ से, व्यू योर कार्ड डिटेल का मेरे सामने बटन था। मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, मोबाइल नंबर वगैरह डालकर उसको वेरीफाई किया, मेरा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया। कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी सब कुछ मेरे सामने था। मैं इस कार्ड को अभी से यूज करना शुरू कर सकता था। अब दोस्तों ये तो मेरा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड था। इसके बाद शाम होते होते ही मुझे मैसेज मिल जाता है HDFC बैंक की तरफ से कि आपका जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो भी हमने डिस्पैच कर दिया है। इसका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे घर पर पहुंच जाएगा और मेरा क्रेडिट कार्ड मेरी नेट बैंकिंग से भी लिंक कर दिया गया है, ये भी मैसेज मुझे मिल चुका था। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने का, एक्टिवेट करने का। कंप्लीट जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।